फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, पासिंग टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ठीक है, जीरो जीरो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ टेंजेंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम जीरो जीरो टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस का सॉरी प्लस का थर्टीन वाई प्लस का सेवनटीन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मतलब हाँ प्लस सेवनटीन। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, दिमाग लगा लगा के थक जाओगे, इसका फोटो तो दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। सर्किल की क्वेश्चन बतानी है और सर्किल कहां से गुजर रहा है, सर्किल गुजर रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माने जहां टच हुआ होगा, कौन टच हुआ होगा, टेंजेंट टच हुई है, टेंजेंट कहां पे बनी थी, जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे टेंजेंट बनी थी, अच्छा, और टेंजेंट जीरो जीरो से ड्रॉन हुई थी, मतलब जीरो जीरो से ड्रॉ हुई है, अच्छा, और अगर वो जीरो जीरो से ड्रॉ हुई है तो किस पे ड्रॉ हुई, सर्कल पे, सर्कल पे जहां टच हुई उन पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है, अच्छा एक मिनट फोटो दिमाग में लाते हैं, है ना, घुमाते फिरते नहीं लाद करके क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल गया, थोड़ा बचा के ले आता हूं, सर्कल ये वो वाला, ठीक है, क्वाड्रेंट वाड्रेंट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा मैंने, जीरो जीरो से सर्कल ड्रॉ हुआ, एक एरा एक एरा, दिख गया आपको, जिन पॉइंट पे टचिंग हुआ वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, ठीक है, सर्कल बना, दिख रहा है इस तरह से सर्कल बन गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बन जाएगा, एक दो वायरिंग बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा फील आ जाएगा, ठीक है, हाँ भाई आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा, आएगा यार, अब यार ठीक है क्या करें, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, अब आ गया है ना, आ रहा है धीरे, है ना, आया आया है ना, अच्छा काम की बात, पूरा आ गया, ठीक है, ये वो सर्कल है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रहा है और जीरो जीरो से सारा खेल चालू हुआ, क्या करें, क्वेश्चन कर दें, अब दिमाग लगाओ, हाँ जीरो जीरो सेंटर नहीं, नहीं जीरो जीरो का कोई रोल नहीं यहां पे, सही बात है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट रेडियस हो जाएगी, अगर जीरो जीरो सेंटर है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रेडियस हो जाएगी, ये बात भी सकते हैं, अब कैसे जाए, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं, पहले तो डायग्राम तो समझ में आ गया आपको या नहीं आया, ठीक है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जीरो जीरो से, नहीं पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, फ्रॉम जीरो जीरो, ये थोड़ा और करेक्ट करता हूं, डायग्राम में भी कुछ गड़बड़, पासिंग थ्रू जीरो जीरो एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अब लो क्या फर्क पड़ गया इससे, पासिंग थ्रू जीरो जीरो एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सही भाई, क्या कुछ फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया, अब की बार सर्कल जो है वो जीरो जीरो से भी पास हो रहा है ना, अगर वो जीरो जीरो से पास हो रहा है तो ये वाला सर्कल सही है क्या, अच्छा कौन डायमीटर हो गया, कोई भी डायमीटर नहीं हुआ, दिमाग लगाओ, कोई कुछ बना ही नहीं, आप सोचो फिर से, लो डेटा चेंज हुआ हल्का सा, क्वेश्चन चेंज हो गया, फोटो चेंज हो गया, अब क्या करें,
छोटे वाले सर्कल का सेंटर और थोड़ा हम मान सकते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, क्या आपको लगता है कि ये कहानी कुछ हद तक सर्कल और स्ट्रेट लाइन की फैमिली ऑफ सर्कल की है? ये इसके दिमाग में एक बात आई थी, हालांकि तो था भी नहीं उस दिन प्रेजेंट। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? करोड़ों। उन करोड़ों में से सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा होगा जो जीरो जीरो से पास आउट होगा, हाँ या ना? अच्छा, ये तो करोड़ों सर्कल गुजरे, किस किस से गुजरे? इस सर्कल और इस लाइन से, हाँ या ना? सर्कल और लाइन से गुजरने वाले जितने भी करोड़ों सर्कल हैं, उनको एक साथ दिखाने का तरीका, हाँ या ना? एस की जगह पे अगर आपने से किसी को बुरा लगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 रख दूं, प्लस में लैम्डा की जगह लैम्डा और एल, एल बोले तो इस समय पे आपके लिए S1 माइनस S2 कॉमन कॉर्ड। लेकिन कॉमन कॉर्ड तो तब मिलती जब हमारे पास सर्कल होता, सर्कल ही नहीं है। सर वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है जीरो जीरो से, क्या ख्याल है? अरे कोई भी सर्कल होता है उसके बाहर से ये जो लाइन जारी होती है टोपला है कि नहीं, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, सही है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लिख दूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वल टू जीरो। दोबारा से कॉपी करता हूं आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में कितना हो गया 13y प्लस 17, यहां तक तो बराबर जा रहा है। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू जीरो, बेहतरीन कहां टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो लगते ही एक्स स्क्वायर की जगह क्या क्या चमक गया, एक्स एक्स वन राइट भाई। आओ बात करते हैं सीओसी पे, एक्स इंटू में जीरो और सोचो वाई इंटू में जीरो, अच्छा माइनस में 11x को लिख दिया 11/2, हाँ या ना? और फिर 2x की जगह x प्लस जीरो, क्या ख्याल है? है ना? अच्छा, और 13 की जगह लिख दिया 13/2 और y प्लस जीरो प्लस 17 इक्वल टू जीरो, क्या ख्याल है? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई, होगी कि नहीं होगी? मन की आंखों ने 2 को उधर जाते हुए देख लिया, क्योंकि ये तो आपके लिए है ही नहीं ना, खत्म, तो मर गए है कि नहीं? 2 एलसीएम आ गया, मन की आंखों ने देख लिया। बोलो क्या लिखूं? बोलो माइनस 11x लिख लूं प्लस 34 लिख दूं क्या? बोल दो आप, 13 वही तो लिखा है और क्या लिखा है? ठीक है नहीं, हाँ सही है। अब क्या करूं? ये अपने पास सर्कल आ गया, लेकिन ये तो सर्कल थोड़ी ना, ये तो सर्कल्स हैं, कितने करोड़ों, उनमें से हमारे को कौन सा वाला चाहिए जो जीरो जीरो से पास हो? ठीक है ना? तो पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू व्हाट? जीरो जीरो घुसा दो इसमें, जीरो जीरो अगर मैं जीरो जीरो घुसा दिया तो 17 बच गया मात्र, हाँ या ना? प्लस अगर बाय द वे सबको अंदर जीरो जीरो डाल दिया तो कितना बच गया 34, कितने लोगों को लग गया लैम्डा तो चमक गया माइनस 1/2 रख दूंगा, माइनस 1/2 यहां, हाँ या ना? तो माइनस 1/2 रखते ही कितना हो गया 2 इंटू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस में कितना 13y प्लस में कितना 17, ठीक है प्लस ना माइनस, माइनस में कितना माइनस 11x है ना, प्लस में कितना 13y प्लस 34 बराबर जीरो। कितने लोगों को समझ में आ गया ये हुआ क्या? अरे माइनस 1/2 था ना, एलसीएम लग गया नहीं, और संभाल लेना, सुंदर बना लेना, आंसर आ गया। कहानी पकड़ में आ गई? मुश्किल या ठीक थी? ठीक नहीं ना, फाइट है। अच्छा, आप में से किसी ने अपनी यहां की सबसे बड़ी वाली एक्सरसाइज कर ली क्या? जेई मेंस, मैंने आपको बोला था ना करके आना पिछली बार, बोला है मैंने एक्सरसाइज 4, तुम तो थे ही नहीं ना, तुम तो बोले मत, ठीक है ना? कब बोला तुमको? स्कूटर पे कैसे बोलते? ठीक है, और उसने बहुत बहुत बुरी तरह कार में बैठा रहा, अगली क्लास में पौना घंटा लेट गया मैं, 45 मिनट्स लेट, ठीक है सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए उस दिन। बच्चों बोला आज सर लेट आए हो, ठीक है शेड्यूल टाइम से थोड़ा आगे पीछे हो गया मैं 20 मिनट। शगुन के 20 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट की रेंज है मेरी, कभी टाइम से नहीं जाना चाहिए, बच्चों बहुत गालियां देता है। कल
आज वो तो मैं ठीक 4:08 पे ही आता सामने, लेकिन फिर मेरे को जाना भी पड़ा ठीक है और वापिस आना भी पड़ा, उसमें ज्यादा लग गया। चाय मैंने आज नहीं पिया, आज सीधे आया, लग गया था क्या गड़बड़ हो गया भाई, मैं पैरों लगी कॉपी लेके ऊपर आ जाता पढ़ा भी देता आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हो गया क्या आप इसे पहचानते हैं? सेंटर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, 4, रेडियस बता दीजिए। शॉक सर्कल बन गया, सर्कल के बनते ही लाइन आ गई, सर्कल को लाइन ने कहां पे टच कर दिया? 0-0 पे, बहुत ही खूबसूरत। सेंटर क्या हो गया? 4.3, टच करते ही इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। सोचो इस लाइन की इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू में पता नहीं x माइनस 0, क्या ख्याल है? m कांसल हूं, इसका m कितना? 3/4, तो इसका m कितना? क्या ख्याल है? 3y + 4x = 0। कहानी से पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वो लाइन हो गई, हाँ या ना? इसका मतलब सर्कल जो है वो कहां से गुजरा? सर्कल 0-0 से गुजरा, तो अपने को ऐसा सर्कल चाहिए जो है ना, ध्यान से समझना भाई, सर्कल बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1 - 1.2, जो आगे जाके -1.2 से गुजरे और टच करे इसको इस पे, माने इस पॉइंट पर टच करे, तो टच करने का मतलब या तो यहां टच करेगा या फिर दूर कहीं जाके टच करेगा। ऐसा मतलब करोड़ों सर्कल बन सकते हैं, उन सर्कल में हमारे को अपनी पसंद का सर्कल कौन सा लेना है जो -1.2 से गुजर रहा हो, राइट है कि नहीं? अच्छा, ऐसा सर्कल जो किसी पॉइंट 0-0 पे टच करता हो और -1.2 से गुजरे, ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट लिखा था, पॉइंट नंबर 4। मैंने बताया था कि अगर कोई सर्कल किसी और सर्कल के टचिंग पॉइंट A, B पे टच करके गुजरता हो तो पीछे के जितने भी सर्कल होते हैं ना उन सबकी फोटो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस λ (l) = 0 होता है, ऐसा ले लेते हैं, राइट है? तो कहां टच हो रहा है? 0-0 पे। तो अपनी तरह से सर्कल की क्वेश्चन क्या हो गई? सर्कल की क्वेश्चन हो गई x माइनस, बोलो आप, होल स्क्वायर प्लस प्लस लैम्डा इंटू कितना? l की जगह क्या लगाऊं? l ये ले लू, आए ना, तो कितना ले लू बोलो? 3y + 4x = 0। और ये इसको किससे गुजार दू? पासिंग थ्रू -1.2। आगे कर लोगे, है ना? आसानतम खेल है। इसका स्टाइल क्या वो समझाता हूं, ठीक है, है ना? इसके साथ में ये जरूर रिमार्क जरूर डाल लेना, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है, याद रखिएगा, सर्कल पासिंग थ्रू AB and MN and लाइन L इज x - a x - m + y - b y - n प्लस λ(l) = 0, ये होता है, ठीक है? अब जरा सोचिएगा, एक सर्कल जो इन दोनों से गुजर रहे हैं, ठीक है, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? उस सर्कल की इक्वेशन हो गई x - 1 x - 4 + y - 5 y - 1 + λ। अब L की बात करता हूं, एक मिनट रुक करके, पहले एक बार जरा फोटो बताता हूं। फोटो क्या है? फोटो देखो, आप फोटो देखोगे समझ में आएगा। ये कौन है? y एक्सिस, ठीक है ना? सर्कल कितने चाहिए? 2,
दो सर्कल इन दोनों पॉइंट से गुजरते हैं, गुजरते होंगे, एक मिनट पहले दो सर्कल दिखाता हूं जो इसको टच कर रहे हैं, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, एक सर्कल और दिखा देता हूं जो यहां टच कर रहे हैं, कर रहे हैं, जिन दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं उन दो पॉइंट के नाम क्या है, दोनों सर्कल एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है 15 उम्मीद है, और ये वाला पॉइंट कितना 41 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा इन दोनों को कटिंग करने वाली लाइन ये वाली है, यहां तक तो दिख रहा है, ठीक है ना, क्या ये दोनों सर्कल मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट से गुजर रहे हैं, क्या ये दोनों सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इन दोनों की इक्वेशन में, यहां तक की बात तो ठीक है, किनारे करो, लैम्डा इनटू में जिस एल की जरूरत है वो एल लाइन है, आया ना, इस लाइन की इक्वेशन या तो मैं निकाल दू, नहीं आया, अरे बात समझ में आई ना, एस प्लस लैम्डा एल, तो लैम्डा एल में ये लाइन पड़ी है मेरे पास, इस लाइन को कैसे यूज करूंगा, या तो मैं देखो अगर बाय द वे मोटी बातें करूं, ठीक है ना, जिसमें आपको लगे अरे अपन ने बहुत बड़ी बात कर दी, तो मैं ये लिखूंगा एक्स वाई वन है ना, 1 5 1 और 4 1 1, अरे सोचो, हाँ या ना, और अगर आम इंसानों वाली बात करूंगा तो मैं कोने में आ जाऊंगा, लाइन की क्वेश्चन निकाल लूंगा, कैसे वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, राइट है, एक्स माइनस फाइव 1 1 राइट है, और इधर की तरफ कितना लिख दूंगा, माइनस फोर डिवाइड बाई नीचे कितना 3, और लाइन लगा दूंगा, क्या ख्याल है, ठीक है, अच्छा अब ये तो यहां तक हो गया, सर्कल निकल जाएगा, अरे सर्कल निकाल लोगे ना, पहले आप निकालो, मैं उसके आगे की बात करूंगा, लाइन की इक्वेशन बनाओ, फिर बात मैं करूंगा, इक्वेशन बना दो बस आप, तो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे, यार उस दिन क्या चमत्कार क्या हुआ था, बच्चे कितने 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 लोगों को समोसे नहीं मिले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम दोनों काम चले गए थे, अनादी सर, एनएम सर, अनादी सर के यहां पे कौन कौन था, लो इसलिए हमने वहां सिचुएशन ही नहीं बैठाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है, अपन कितने 134 लाए थे, नहीं अभी इस समय 53 स्टूडेंट्स हैं, उस दिन ज्यादा थे, अच्छा हाँ जो गायब होंगे उनमें भी तो 4 5 होंगे ना जो नहीं खा पाए होंगे, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का ड्यू है मेरे पे है ना, मैं खिलाऊंगा आपको, क्योंकि 10 रुपया दे दिया आपने मेरे नाम से दिया है, वो मेरा जिम्मा है, मैं खिलाऊंगा आपको, ठीक है, हाँ नुकसान नहीं होगा अपने राज में, या तो फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, हाँ किसी बालक ने करा ये सब, एक बार जरा मिला देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में कितना, एक से माइनस का 5x माइनस का 6y और प्लस का 4 और 5 9 प्लस लैम्डा इंटू में लाइन की क्वेश्चन कितने लोगों ने बनाई, एक मिनट जेके बता, अरे जेके एक हाँ 3y प्लस 4x माइनस 19 इक्वल टू 0, जैसा ये बता रहा है वैसा है ना, अच्छा हाँ भाई अब ये अभी तक अपने सिर्फ सर्कल बनाए हैं, सर्कल पे कंडीशन तो हम डालेंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन है वो दोनों सर्कल क्या होने चाहिए, और y एक्सिस को टच करेगा तो एक्स बराबर 0, नहीं उस दिन भी टोका था, हाँ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सही बता के भी गलत बता के, ठीक है हाँ भाई, टचिंग वाई एक्सिस, अगर टचिंग वाई एक्सिस है तो मैंने जैसा पिछली बार भी बोला था एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर देंगे, रुको, लेकिन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी करना ऐसा मुंह फाड़ के बोलने जितना आसान नहीं है कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर दिया, पहले इससे पहले इसकी खूबसूरती मेंटेन करनी पड़ेगी, कैसे आप जरा देखना खूबसूरत कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, x के कॉमन लेते प्लस x के कॉमन लेते हैं, यहां से चमक गया 4 लैम्डा माइनस 5, सोचना y के कॉमन लेते कितना चमक गया 3 लैम्डा माइनस 6, ठीक है ना, माइनस में 19 लैम्डा माइनस 19 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट है भाई, आप में से किसी को पता है f क्या है, ये आगे पीछे कहीं और या फिर ढूंढ के लाना पड़ेगा, f की वैल्यू बोलो आप,
एफ इज इक्वल टू में 3 लैम्डा माइनस 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ है ना, एफ स्क्वायर लिख दूं और सी की जगह कितना चिपकाऊं, सी की जगह माइनस 19 लैम्डा प्लस 9। कोई दर्द? अच्छा ये चार उच्चक के इधर आ गया, चार के इधर आते कितना होता है 19 फोर जा 76 है ना भाई। तो यहां पे कितना लिखना, माइनस का 76 लैम्डा प्लस 36 लिख दूं, है ना भाई। उधर की तरफ मन की आंखें देखने लग गई, अचानक से 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा, ठीक है ना, प्लस का 36 होने लग गया क्या? अच्छा प्लस 36 और मैं का प्लस का 36 कैसे सही है। अच्छा इससे एक लैम्डा बराबर तो जीरो आ रहा है, कईयों को दिखने लग जाएगा, सोचो नहीं जो पर पहले अब 76 को उधर ले चलो, 40 लैम्डा रह गया। अरे सोचो ना, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस में कितना रह गया 40 लैम्डा इक्वल टू में कितना जीरो, लैम्डा को मैं ले लू अंदर अंदर कितना बच गया 9 लैम्डा प्लस 40 इक्वल टू कितना जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू कितना चमक गया जीरो और लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 40/9। क्या ख्याल है, लैम्डा की वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा लैम्डा की अगर जीरो लेता हूं, अब देखो अपने पास दो सर्कल आने चाहिए थे, दो वैल्यू आ रही है लैम्डा की, 100% दो सर्कल आएंगे। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू जीरो यहां चिपका दूं तो एक सर्कल जो आ रहा है उच्चक करके कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में कितना 5x प्लस में माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू जीरो। और अगर मैंने लैम्डा इज इक्वल टू में कितना चिपका दिया, माइनस का 40 डिवाइड बाय 9 रखता हूं तो 40/9 यहां रख रहा हूं, है ना भाई। तो मेरे को यहां से दिख जाएगा 9 ब्रैकेट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x प्लस माइनस का 6y प्लस का 9 और माइनस का 40, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना 3y प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू जीरो। आगे कि ना आगे दो सर्कल्स, ठीक है, नहीं है? अच्छा कितने तब तक हम वही गंदी गंदी बातें कर लेते हैं। पहली बात है सोचो लैम्डा के जीरो आते हैं, कितने लोगों को दिख गया कि ये जो सर्कल है ये वो सर्कल है जिसने उन दोनों पॉइंटों को डायमीटर मान लिया। सोचो लैम्डा के जीरो थे, पीछे का पूरा मामला उड़ गया, यही रह गया और ये तब रहता है जब कोई डायमीटर ले ले। समझ रहे बात को, क्या गजब चीज आई है। और दूसरा दूसरा इधर उधर से आया होगा कुछ भी, है ना, आपके कलेक्शन में रखने लायक क्वेश्चन है, रखने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फायदा रहा ना अपना, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल अपन ने पीछे छोड़ के रखा, नहीं तो आप उबासिया ले लेके मर जाते कहीं तो। हाँ भाई आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड सर्कल, ठीक है ना, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, मैं इसको जानबूझ करके थोड़ा लिखना चाह रहा हूं, सर्कल्स है, कहानी पकड़ में आई आपको, गजब सर्कल, गजब चीज है। क्या क्वेश्चन में पता क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बीच का बिड़ू बनेगी और सर्कल होंगे दो और दोनों की रेडियस कितनी 5-5। नहीं आया समझ में, तो वगैरह इधर उधर के दोनों सर्कल के बारे में बताओ कौन से सर्कल है। बस मैं तो ये बता रहा हूं लाइन कौन सी है, ये लाइन है 4x प्लस 3y और कहां टच हो रहा है, टच हो रहा है 1.2 पे और रेडियस कितनी है 5, तो ढूंढो। समझ में आया? हाँ अब दिमाग लगाते हैं, आओ सोचेंगे, ठीक है, बहुत आराम से आ सकता है आईआईटी के लायक, बिल्कुल सिंपल सुबर क्वेश्चन, मैथ्स द कॉलम में कहीं लगा दिया, खोपड़ी लड़ाओ। सही करिए और सोच, यहीं पे मैंने कुछ समझाया था, मैंने कहा था लाइन पे अगर करोड़ों सर्कल टच करने लग जाएं तो जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो अगर a कोमा b हो, ठीक है, हाँ, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल टू जीरो लगा देने चाहिए। क्या ख्याल है, ये भी तो वही गलती कर रहे हैं,
कहां पे टच मार रहे हैं? वन का। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो x माइनस वन का होल स्क्वायर y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू मैं कितना लिखूंगा, चार एक्स प्लस थ्री वाई। और फिर इसको किससे सेटिस्फाई करूं, किससे गुजर रहे हैं? वन कोमा टू से, वापिस वन कोमा टू खिला दू मैंने, तो वन कोमा टू खिलाते इतना तो जीरो, तो लैम्डा तो जीरो आ जाएगा। आइला 1.2 लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके एक सेकेंड, दोबारा देख लेना क्वेश्चन क्या है। सर्कल फाइंड आउट सर्कल जिसकी ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट हो, नहीं कॉमन टेंजेंट तो 1.2 ही लिखा है। ओके तो चमत्कार तो मेरे हाथों ही हुआ है ना, ऐसा क्या सोचता है? इक्वल टू 10 ठीक है। हाँ तो उसे भी क्या हो गया, तब भी कहानी इतनी लंबी चौड़ी खराब नहीं हो रही। माइनस 10 इक्वल टू 0, आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया, नहीं किया ना गौर, इससे आंसर आ जाएगा क्या? हमारा तो गाड़ी वहीं के वहीं अटकी हुई है, पॉइंट कहां से लाऊं? अगर 1.2 से सेटिस्फाई करवा लिया, सुनना 1.2 रखते ही जीरो हो गया लैम्डा की वैल्यू। नहीं आ रही समझ में? कितने लोगों के दिमाग में उतरी बात? अरे 1.2 रखते तो लैम्डा जीरो हो गया, लैम्डा जीरो तो पिछवाड़ा उड़ गया इसका, सिर्फ इतना रह गया नहीं आया और ये रह गया, तो इसने क्या गलती कर दी? ये अपने आप में एक ऐसा सर्कल हो गया जो पॉइंट सर्कल है, माने जिसका सेंटर 1.0 है और रेडियस 0 है, जबकि हमारे रेडियस तो 5 चाहिए, तो गड़बड़। 1.2 से सेटिस्फाई नहीं करना, फिर क्या करूंगा? हाँ रेडियस निकालो इसकी, ये नकली सर्कल इसकी रेडियस निकालो, और रेडियस कितनी करो? 5। नहीं आया समझ में? दूसरी कंडीशन में नजर रखना है ना, रेडियस इज इक्वल टू 5। कैसे रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जैसे लोग ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 2x, माइनस का कितना 4y, प्लस का कितना 5, रुको प्लस का 5, और प्लस में कितना लैम्डा इंटू में कितना 4x, प्लस में कितना 3y, माइनस का 10 इक्वल टू 0, राइट है क्या? अच्छा इसको खूबसूरत बनाते आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में x कॉमन लेते हैं, अंदर ही अंदर कितना बच गया बताओ? 4 लैम्डा माइनस 2। अच्छा प्लस में y कॉमन लेते हैं कितना बन गया? 3 लैम्डा माइनस 4, है ना भाई? और कितना? माइनस 10 लैम्डा प्लस 5 बराबर कितना? 0। क्या ख्याल है, सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? कोई बताएगा g कितना? ये बाई 2 अंडर रूट में कितना लिखो, बोलो आप तो? 4 लैम्डा माइनस 2 बाई 2 का प्लस, आगे बोलो, 3 लैम्डा माइनस 4 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, बोलो माइनस में कितना? माइनस 16 लैम्डा प्लस 5। क्या ख्याल है? हाँ या ना? और इट इज इक्वल टू 5। क्या सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? नहीं है कौन टर्म लम रहा है, ये 10 थोड़ी ना है, 10 ही है। अरे यार कल को कभी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं हो 16,000 का चेक कट जाए, ठीक है? पता चला 10,000 का चेक की जगह 16,000 लग गया, 5,000 का नुकसान, हवा ही नहीं लगी मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं तो खुश हो गया, चलो भाई किसी का चेक कटा होगा, ठीक है? फाइन लैम्डा हो जाएगा नहीं? हो जाएगा ना, है ना? हाँ ये नहीं कि मैं करके रहूंगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ध्यान से समझना भैया ना। अच्छा तब तक अपन वो वाली बात कर लेते हैं, ये कह रही थी कि ना इस जगह पे एक और थॉट भी आई थी इससे दिमाग में, अच्छे थॉट थी, बुरी नहीं थी, डिस्कसेबल है, मेरे को लगा कि ये बात कर लेते हैं भाई। बात ये भी तो है ना कि ये वाला पॉइंट अगर 1.2 है तो अपने को 5 इधर ही तो जाना है, आपने से किसी को पता चल रहा तो इसमें 10 थीटा की वैल्यू माइनस 4/3 आ रही है इस लाइन की, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसका 10 थीटा कितना होगा? 4, 3/4 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट,
इसका मतलब ये कि जो इसका साइन थीटा हो गया वो 3/5 हो गया और कॉस थीटा कितना हो गया, और अपन 1.2 से 5 इधर गए है ना, तो अपन लिख देंगे 1+5 कॉस थीटा, सोचो आप जरा है ना, और इधर की तरफ कितना 2+5 साइन थीटा, सेंटर ही आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखते ही सेंटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और उधर अगर जाना हो तो माइनस कर देंगे तो 1-5 कॉस थीटा और कितना 2-5 साइन थीटा है ना। बात तो ये भी है, नहीं आया समझ में, बात चल रही थी ऐसी,